अभी जो दीपावली बाद जो कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है, वो गाइडलाइंस ध्यान में लेकर गवर्नमेंट जो बता रहे हैं कि अवश्य आप मास्क पहनिए, ठीक है। इस जागरूकता के लिए सभी, मतलब कोई भी व्यक्ति जो मास्क बिना निकलता है, तो उनका और उनका फैमिली का भी थोड़ा नॉर्मल जो रहता है, मतलब कोरोना का ये जो इफेक्ट रहता है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जागरूकता के लिए कि अवश्य आप मास्क पहनो, इसके लिए ये मास्क वितरण चालू किया। जो चाय मैं दे रहा हूँ मास्क के साथ, वो गोल्डन चाय है जिसमें आदू, फुदीना, इलायची और चाय मसाला, जो अब 10 रुपये में दे रहा हूँ, उसके साथ मास्क दे रहा हूँ सर। अब तक कितना मास्क आपने दे चुके हो? 650-700 तक आज के दिन तक हो चुका है सर। इतना आगे का क्या विचार है? आगे जब तक कोरोना का संक्रमण नहीं पर ज्यादा शून्य नहीं हो जाता, तब तक ये वितरण चालू रहेगा। जो इनिशिएटिव लिया है वो इनिशिएटिव शायद मैं समझता हूँ कि वो जो चाय बेचता है उसमें वो नुकसान करता होगा, फिर भी इस महामारी में जो इनिशिएटिव उसने लिया है बहुत ही बढ़िया है, सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि हर दुकान वाले को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वो करने से लोगों में और अवेयरनेस आएगी। सरकार खर्च करती है, समाज सेवी करती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती है अवेयरनेस लाने के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रयास है सपन मासी साइटी सेंटर का।